डरा दिया यार इसने मुझे। खैर जोक था, कोई ऐसा मसला नहीं है। मछलियां हमारे पास मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी बताएं, कैसे महसूस कर रही हैं? नहीं बोल रही जी, फीमेल है ना, एटीट्यूड तो होगा। चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं मार्केट मोड, देखते हैं कि क्या ठंड माहौल है। लेट्स गो। ओके जी, ठंड माहौल का नया एपिसोड और गपशप जारी है जी, एकदम मजेदार। और अब देखते हैं कि हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त कुछ नौजवान मौजूद हैं फ्रॉम हैदराबाद, और इस वक्त हम जदून प्लाजा में मौजूद हैं, कुछ गपशप इनसे लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि हैदराबाद में रहने की और यहाँ पे आने की खास वजह क्या है? मेडिकल कॉलेज स्टडीज। अच्छा, यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो काफी बेहतर है। अच्छा ठीक है, और आप क्या स्टडी कर रहे हैं? बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। ओके, मतलब फ्यूचर डॉक्टर्स, दैट्स वंडरफुल। अच्छा मुझे बताएं, अफ्रीका में जब बच्चा पैदा होता है, अफ्रीका में आपको पता है बड़ी गर्मियां होती हैं, तो ये बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत किस रंग के होंगे? सफेद ही होते हैं। दांत होते नहीं है बच्चे के। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चलें, कुछ सफेद कुछ काले आ गए थे हमारे पास। अच्छा मुझे बताएं, कोई हमें जबरदस्त अगर कोई गाना सुना दें तो मजा आ जाए। बिलाल। दिस इज बिलाल खान, डॉक्टर बिलाल खान, और आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे पिया रे। वंडरफुल, जबरदस्त। अच्छा जी, आपसे एक टंग ट्विस्टर पूछूंगा मैं, ठीक है? ब्लू बल्ब रेड बल्ब, ठीक है? ये आपने 5 बार बोलना तेज। ब्लू बल्ब रेड बल्ब, 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 रेड बल्ब। भाई ये ब्लू बल्ब और रेड बल्ब ऑन ऑफ बहुत करते हैं, इसलिए इन्होंने ठीक बोला है, सही। ठंड माहौल। अच्छा जी चले, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, और सवाल मजेदार सा ये कि चाहे जितनी भी रोशनी हो, इंसान जितना भी सफेद हो, ठीक है, जितनी भी रोशनाई हो, फेर चीजें हो, लेकिन एक चीज है वो हमेशा काली रहती है, कौन सी है? ब्लैक ही होगी ना। नहीं, ब्लैक तो है, वो कौन सी चीज है ब्लैक रहती है? ब्लैक ही होती है। देखिए गोरा आदमी है, गोरा चिट्टा आदमी है, है? ठीक है, तेज धूप है, कड़ाका धूप है, सब चीजें सफेद हैं, लेकिन एक चीज काली रहेगी। काली ही रहेगी। वो कौन सी काली चीज है? काली है ना। ब्लैक ही रहेगी। वैसे ब्लैक ही है, लेकिन मैं शेडो की बात कर रहा था, शेडो काला ही रहता है, आपके साथ साथ रहता है। अच्छा चलें, आपको एक टंग ट्विस्टर देता हूँ, कच्चा पपीता पक्का पपीता, बल्कि आपसे पूछूंगा, 5 दफा आपने बोलना जल्दी जल्दी, कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 पक्का पपीता। कैमरे में देखेंगे और सब बोलेंगे ठंड माहौल, 1 2 3 ठंड माहौल। लो जी, मौसम है आज का ना या दिल, कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, कैसे आप? अलग करम आप सुने, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्त मुझे ये बताएं, हैदराबाद की सबसे खास चीज क्या है? सर हैदराबाद में मुख्तलिफ जगह है, ठीक है, लियासी चले जाए तो वहाँ के पकौड़े आ जाते हैं। क्या बात है, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी पे लोग सबसे ज्यादा आते जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये जदून में आप खड़े, ये जदून प्लाजा है जी, सब देखने वालों को बताते चलेंगे, ये जदून प्लाजा है, इसमें हम मौजूद है। अच्छा दोस्त मुझे ये बताएं कि अगर आपको फिल्म में एक रोल मिले, कि आपको फेवरेट रोल करना है, तो कौन सा रोल आप करेंगे? विलन का, कॉमेडी, मजाया, हॉरर? सर वो फिल्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, फिल्म किस तरह की है, ठीक है, रोल कोई भी हो हम कर लेंगे। अच्छा कर लेंगे, क्रीम रोल, चिकन रोल, सब रोल कर लेंगे। रोल ही होता है, रोल होता है जी, रोला नहीं होना चाहिए, रोल होना चाहिए। अच्छा बड़ा आसान सा आपके सवाल पूछता हूँ, अफ्रीका में बड़ी गर्मी पड़ती है, लोग काले काले होते हैं, ठीक है, वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रंग किस कलर के होते हैं, उसके दांत किस रंग के होते हैं? दांत हमेशा व्हाइट, दांत तो होते ही नहीं है, ठीक है, जब वो बड़ा होता है फिर उसके बाद दांत हमेशा व्हाइट ही निकलते हैं। रहेंगे, जबरदस्त जी, जबरदस्त। चलिए शुगर जारी रहेगा, मिलते हैं ठंड माहौल के साथ। ठंड माहौल की होता है, माहौल ठंड ऐसा होता है कि जब अकेला हो आदमी तो ठंड होता है, साथ में कोई हो, हम सफर अच्छा हो तो वो माहौल आता है। यानी कि ठंड में अगर आप माहौल बना सके, हंसते तो अभी को हंसते साथ, तो उसको ठंड माहौल कहते हैं। अजय सर जी दसो कि ठंड माहौल किनू कहते हैं? ठंड माहौल सर बर्फबारियां, सर्दियां, गर्मी में ठंड माहौल नहीं पड़ता,
गर्मी भी इतनी बाहर के बैठी होनी बाहर कितने फ्रीजर है हकयो मंजी दिया बायानी है तोड़ी निभा जान दे जिना कसमा बेचायानी है तोड़ी निभा जान दे जिना कसमा बेचायानी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी ठंड मॉल सुने लोग तो सुनिया गल्ला सुना दे सुना जारा हम मौजूद हैं जी इस वक्त कैन प्लाजा में बड़े खूबसूरत से एक नौजवान मतलब शी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं उससे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर कैसे मिजाज ठीक ठाक जी आपका नाम अदील अदील अच्छा अदील भाई ये बताएं यार ठंड मॉल किसे कहते हैं ठंड मॉल सर्दी वाला मॉल अच्छा मतलब गर्मी में ठंड मॉल नहीं होता नहीं पक्की बात है पक्की बात नहीं यार गर्मी में लोग कहते हैं यार ठंड मॉल है काम शाम लगा के होता है वैसे नहीं होता फ्रीजर में हो सकता है ठंड मॉल हाँ जी ठीक है अगली दफा जी फ्रीजर ट्राई करें आप लोग एक एक बंदा फ्रीजर में बैठे हो ठंड मॉल एंजॉय करके आए अदिल भाई ये बताएं यार बंदा कितना भी गोरा चिट्टा हो कितनी भी रोशनी हो वो कौन सी चीज है जो उसकी हमेशा काली रहती है ये बात मुझे कान में बता दे आंखें नहीं यार ओके जी ठंड माहौल मैं और आप और मजेदार मौसम सर कैसे हैं खैरियत सर मुझे बताएं अल्हम्दुलिल्लाह ठंड माहौल किसे कहते हैं ठंड माहौल जो काम शाम ना उसको ठंड माहौल ही कहते हैं अच्छा कभी बंदा सुकून में उसको भी ठंड माहौल कह सकते हैं जी सुकून में हो तो उसको ठंड माहौल कह सकते हैं जैसे कि अभी आप सुकून में ही हैं ठंड माहौल एंजॉय कर रहे हैं आप इधर उधर घूम रहे हैं लोगों से गपशप लगा रहे हैं इसको ठंड माहौल कह रहे हैं रिलैक्स है आप जबरदस्त जी अभी अभी 10 सेकंड गुजरेंगे ना आप भी ठंड माहौल में आ जाएंगे हमारे साथ तो मैं ठंड माहौल में हूँ ऑलरेडी ऑलराइट ठंड माहौल का नया दिन नए लोग और नए चेहरे कुछ गपशप होगी हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम वकास सबासे अच्छा वगासु ये बताएं यार कि मौसम कैसा है आजकल मौसम काफी सुहाना हो गया है अभी बारिश हुई है अच्छा। और अहमदाबाद का मौसम तो वैसे भी सुहाना ही होता है आपको पता ही होगा क्या बात है अच्छा जी पूरी दुनिया में हजारे को बड़ा पसंद किया जाता है अहमदाबाद को बड़ा पसंद किया जाता है खासकर जो लोग देश से बाहर होते हैं उनको बड़ा मजा आता है तो उनके लिए कोई मजेदार सी बात क्या कहेंगे हजारे के मौसम के हवाले से ये बताऊंगा आपको कि हजारे का मौसम 12 महीने एक जैसा रहता है तकरीबन ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है ना यानी कि 12 महीने ठंड रहता है जी जी ना करें यार जून जुलाई में बड़ी गर्मी पड़ती है रमजान में तो और भी मजा आता है ना यहाँ पे अच्छा जी जी ठीक है अच्छा सर मुझे बताएं एक जनरल सवाल आपसे पूछता हूँ अफ्रीका में अगर बच्चा पैदा होता है छोटा अफ्रीका में आपको पता बड़ी गर्मी पड़ती है लोग काले काले होते हैं तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत किस रंग के होते हैं बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते ये चीज ठंड माहौल ठंड माहौल जमुंगा चैनल ले ठंड माहौल यख यख यखनी यूट्यूब मनी जी डेरे मनाना थैंक यू